जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का। तो आज की ये वैकेंसी की जानकारी सभी लड़के लड़कियों के लिए है, ठीक है। और आपको ये भी बता दूं कि अदर स्टेट वाले हैं वो भी 10% इसमें आरक्षित हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और ये जिस एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए पुलिस की वैकेंसी आई है उसकी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं, साथ में इसका सिलेक्शन प्रोसेस, फॉर्म भरने की डेट और आप लोग का एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहने वाला है उस पर भी बात करने वाले हैं। लड़के लड़कियाँ दोनों के लिए इसमें सीट बराबर की हैं या कितनी रेशियो रहेंगे वो भी आपको दिखाने जा रहा है, ठीक है। तो चलिए इस वैकेंसी की पूरी जानकारी देंगे, साथ ही में इसका क्वेश्चन पेपर भी आपको एक फ्री में देंगे जो पिछले साल का हुआ था, उसे आप देखेंगे तो पता चलेगा कि जो पहले इससे पहले पुलिस की भर्ती हुई थी उसमें क्वेश्चन पेपर कैसा आया था, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप पुलिस कॉन्स्टेबल की जो वैकेंसी है, जो नोटिफिकेशन रिलीज हुई है अपकमिंग वैकेंसी, उसकी मैं आपको जानकारी देता हूँ, ठीक है। तो ये एक पर्टिकुलर स्टेट, जैसे कि मैंने बताया, बिहार पुलिस कॉन्स्टेबल रिक्वायरमेंट 2022, ठीक है। इसके अंतर्गत पोस्ट का नाम है कांस्टेबल। कांस्टेबल की भर्ती यहाँ पे 42,000 पदों पे, ठीक है। बहुत ही जल्द आप लोग के फॉर्म भरे जाने वाले हैं, उसकी संभवतः नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्या डेट आपकी निकल के आई है वो भी बताता हूँ, मंथ कौन सा मंथ रहने वाला है। और यहाँ पे आपको बता दूँ कि जो फीस होने वाली है, जनरल OBC के लिए 400 रुपये, SC ST के लिए 400 रुपये, ऑल कैटेगरी फीमेल सभी लड़कियों के लिए 400 रुपये, अदर स्टेट की भी इसमें जुड़ेगी जो 10% रहेगी, अदर स्टेट वाले जो आसपास के पड़ोसी राज्य हैं, जैसे UP पहले नंबर पे आ जाता है तो ये भी डाल सकते हैं, उनके लिए भी 500 रुपये है, ठीक है, उनके लिए 500। अब नीचे आ जाते हैं, आपको बता देते हैं बिहार, ठीक है। यहाँ पे एज को लेकर बता देते हैं, एज लिमिट आपकी क्या होनी चाहिए, जुलाई के पहले 1 जुलाई 2021 से तक, ठीक है। मेल के लिए 18 से 23 साल, फीमेल के लिए 18 से 26 साल, जनरल के लिए, OBC SC ST मेल के लिए 18 से 28 साल, ठीक है, OBC SC ST फीमेल के लिए 18 से 31 साल, यानी 18 से आपको 31 साल के अंदर है तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और एक्स सर्विस मैन के लिए अलग से छूट इसमें दी गई है, ठीक है, एज के अकॉर्डिंग। उसके बाद नंबर ऑफ टोटल पोस्ट आप देख लें, और इसमें हाइट आपको फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर से ऊपर रहनी चाहिए और मेल के लिए 165 सेंटीमीटर से ऊपर रहनी चाहिए, अराउंड 168 सेंटीमीटर तक, ठीक है। पोस्ट का नाम एज पे क्वालिफिकेशन, 10th पास के बाद आपको 12th पास अनिवार्य है, किसी भी बोर्ड से, बिहार बोर्ड, स्टेट बोर्ड, किसी भी से 12th पास है, ठीक है, तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं हाइट की बात करने वाला था तो, और रनिंग की बात करने वाला था। इस बार जो सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, आपका जो पहले एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम होने के बाद फिजिकल मेजरमेंट होगा जिसमें हाइट रहनी चाहिए मेल की 168 सेंटीमीटर, जनरल OBC ST के लिए मेल 160 सेंटीमीटर, ST के लिए, फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर, मैंने 155 3 सेंटीमीटर अधिक ही बता दिया, और फीमेल ST के लिए 147 सेंटीमीटर। चेस्ट ये मेल के लिए है, जनरल OBC SC ST, रनिंग ये बराबर है मेल के लिए चाहे कोई भी कैटेगरी में हो, 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में, फीमेल के लिए 2.4 किलोमीटर 14 मिनट में, ठीक है। फिजिकल इफिशियंसी मेल और फीमेल ये आप देख सकते हैं, ठीक है, ये आपको निकालना पड़ेगा। यहाँ तक ये बात होगी, उसके बाद आप लोग का जो डॉक्यूमेंट रहने वाला है इस बार का, क्लास 10th का और 12th का सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है, डोमिसाइल, फ़ोटो, सिग्नेचर, और एग्जामिनेशन सेंटर पे ऑल ओवर यूपी में कहीं भी, ऑल ओवर यूपी में आपका सेंटर कहीं पड़ सकता है, ठीक है, और यहाँ पे बिहार में भी कहीं भी पड़ सकता है, आसपास के राज्यों तक आपकी मतलब सेंटर रहेगा, उससे ज़्यादा दूर नहीं रहेगा। ऑनलाइन मोड एग्ज़ाम है, ठीक है, हो सके तो इस बार, पिछली बार ऑफलाइन मोड था, कि पिछली बार भी ऑनलाइन ही मोड था, इस बार भी ऑनलाइन ही मोड होने वाला है, पिछली बार ऑफलाइन था, इस बार ऑनलाइन मोड हो सके तो हो जाए। रिटर्न एग्ज़ाम पैटर्न आपको बता दें, CBT एग्जामिनेशन, टोटल 400 नंबर का, 2 घंटे का पेपर रहने वाला है जिसमें आपको हिंदी, जनरल हिंदी, GK, लॉ, मेंटल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट, मेंटल एप्टीट्यूड, रीजनिंग से टॉपिक, टोटल 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं। हाँ, यहाँ पे ऑफलाइन ही पेपर होगा, इस बार भी शायद ऑफलाइन ही पेपर होगा, ऑनलाइन पेपर नहीं होगा। ऑनलाइन होगा तो आप लोगों को सूचना दे दिया जाएगा, लेकिन अभी ऑफलाइन ही होगा, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ मोड आप लोग को बता दूँ, पहले इसका रिटन एग्जाम होगा CBT, उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है, फिर उसका मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद आप लोग का सेलेक्ट किए जाएंगे, ठीक है, जो मेरिट बनेगी आपकी। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए। हाँ, अब ऑनलाइन की बात कर लेते हैं, तो आपका जो ऑनलाइन का डेट आने वाला है इसका, आप लोग को दिसंबर में लास्ट तक आप लोग के फॉर्म भरे जाएंगे, और ये वैकेंसी 2023 तक
क्लियर कराई जाएगी जो आने वाली है, ठीक है। ये बिहार की अपडेट थी जो लड़के लड़कियां वेट कर रहे थे बिहार वैकेंसी को लेके, ठीक है। और साथ ही साथ बात कर लेते हैं, ये तो आपको थी 12वीं पास जिसकी एज 18 से 23 साल के अंतर्गत थी, उससे सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। अपकमिंग वैकेंसी 2022 से लेकर 2023 में कन्फर्म हो जाएगी। साथ ही साथ में अभी आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों ने फॉर्म डाला होगा BSF कॉन्स्टेबल का, ठीक है, जिसमें CSF और BSF कॉन्स्टेबल ट्रेडमैन का होगा। तो उसके लिए मार्केट में छुप छुप पब्लिकेशन की प्रैक्टिस सेट और गाइड बुक चल रही है, जिसकी बुक के अंतर्गत नए नए प्रैक्टिस पेपर शामिल हैं जिसे आप लगाएंगे तो आपका जो भी पढ़ाई कहीं भी ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी आप पढ़ रहे हैं तो आपकी प्रैक्टिस जो है और थोड़ी मजबूत हो जाएगी। इसमें राष्ट्रीय करेंट अफेयर शामिल किया गया है टॉपिक वाइज, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, हर एक टॉपिक से जो जो आपके एग्ज़ाम में आएगा उस टॉपिक से शामिल किया गया है BSF कॉन्स्टेबल को एग्ज़ाम को लेके, ठीक है। और साथ ही में पिछले साल का क्वेश्चन पेपर भी इसमें दिया गया है ताकि लड़के लगाएं और पता चले कि वो पेपर में कितना अटेम्प्ट कर रहे हैं सही और पुराना, ठीक है। तो यहाँ पे आप नीचे देख लेंगे क्वेश्चन पेपर यहाँ पे है, ठीक है। एक में हाँ ये पेपर हो गया, इस पेपर और ये ऊपर के करेंट अफेयर सब कुछ आपको फ्री में दिया जाता है, ठीक है, A to Z फ्री में। इसकी पूरी ये जो PDF है पूरी किताब टाइप की, उसका मैंने टेलीग्राम ग्रुप में लिंक कर दिया, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम है, आप वहाँ से जाके इस PDF को ले सकते हैं, क्वेश्चनों को देख सकते हैं, एग्जाम्पल आंसर भी इसका दिया हुआ है, इसे पूरी फ्री में आप जाके वहाँ से लेके हल कर सकते हैं। हाँ, आंसर नीचे मिला लीजिएगा आपने कितना सही किया है। इसमें 4-5 पेपर है, नीचे भी और सारे पेपर हैं, 4-5 पेपर है, आप वहाँ से इनको ले सकते हैं, ठीक है। और इस किताब यानी बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए आप इस बुक को वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ इस वैकेंसी की यहाँ तक डिटेल थी, इससे रिलेटेड और आपके दिमाग में कोई डाउट होगा, कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ इसके अपडेट के लिए क्वेश्चन पेपर इसका मैं डालूंगा, तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का रेड कलर का बटन होगा, साथ में कॉर्नर में बेल आइकन होगा, प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर दबा दीजिए। इससे रिलेटेड और कोई अपडेट आएगी, फॉर्म कैसे भरना है इसका ऑनलाइन होते ही मैं आपको बता दूंगा, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।